सबको जुले असलाम। तो सबसे पहले मैं आज के दिन हमारे यहाँ नेशनल आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिनंदन जी आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। और मैडम जी जो यहाँ आए हैं, खास करके एक तो हमारा पार्टी का थोड़ा सा हालात पता करने पूछने के लिए, और यहाँ पर जो हमारे इंडिया एयरलाइंस का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का श्री नमग्याल साहब के लिए सपोर्ट के लिए हम आए हैं, मैडम जी भी बताएंगे। तो बाकी आप सबको पता है कि इंडिया एयरलाइंस के कैंडिडेट को हमने पहले भी बोला, हमारे आम आदमी पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, हमारे पार्टी के ब्रांच जो है इंडिया लद्दाख के, मतलब जहाँ जहाँ भी हो, यहाँ खासकर करगिल में है, जंस्कर में है, शाम है, नुब्रा है, यहाँ खारू ब्लॉक में है, तो हम सब ने जो है ये फैसला किया है कि हमने इंडिया एयरलाइंस के कैंडिडेट श्री थिरिंग नमग्याल को हमने सपोर्ट करना है। तो आप सबको पता है हमारे जो लद्दाख के चार डिमांड जो है, खासकर सिक्स शेड्यूल, स्टेटहुड, यूथ के लिए जॉब और दो पार्लियामेंट्री सीट, इसके लिए हम पूरा एपेक्स बॉडी के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसके लिए, इसके साथ हम हमेशा रहे हैं, अब भी रहेंगे, जब तक ये हमारा जो लद्दाख का डिमांड पूरा नहीं होगा, हमने एपेक्स बॉडी के साथ पूरा स्ट्रगल करना है। तो यहाँ पर पूरे नेशनल लेवल पे आप सबको पता है, यहाँ पर पूरा पूरे देश में इलेक्शन चल रहा है, तो लोगों के मूड में बदलाव का मूड है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी जो है, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी है, वो जो है उन्होंने जेल में डाला, इसमें कोई उनको बेस नहीं मिला, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि उन्होंने पैसा खाया, उनके अकाउंट में आया, चला गया, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, बट उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ उनको जेल में डाला। तो हम उम्मीद करते हैं कल उनका हियरिंग है, शायद वो बेल पे आ जाएंगे। और इसके अलावा पूरे नेशनल लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों में पहले जो बीजेपी के हक में जो जोश था, जज्बा था, वो इस आपकी बारो नहीं है। अभी जो है आप पूरे नेशनल लेवल पे जितने भी आज तक वोटिंग हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बहुत लो हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि लोग जो है मोदी जो या बीजेपी के जो पॉलिसीज है, उनके जो ये जो उन्होंने जो किया है, उसकी उसको फेवर नहीं कर रहे, उसको ये नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा बीजेपी जो है देश में लोगों को सेक्युलर कैरेक्टर को ख़त्म करके रिलीजन और रीजन के हिसाब से उन्होंने बांटने का शुरू काम किया है, वो उससे काम चलेगा नहीं। आज के देश में पूरा देश जो है महंगाई से जूझ रहे हैं, लोग जो है यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट से मुश्किल हालात हो रहे हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम देखो, हम देश की किसी के हम देखते हैं कि लोग कितना खुशहाल है या कितना ये है, तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो 120-30 कंट्रीज में से जो सर्वे किया है, इंडिया का रैंकिंग बहुत नीचे वालों में आता है। हमसे जो हमारे नज़दीकी जो कंट्रीज है उनका पर कैपिटा जो है, जिनको हम बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है, उनका पर कैपिटा बहुत हाई है। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि पूरे देश में लोग जो है मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारे पूरे देश में बदलाव का मूड है, उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में लोग जो है इस पार्टी को, इस गवर्नमेंट को बदलाने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इंडिया एयरलाइंस के तहत दिल्ली में हो या बाकी और स्टेट में हो, हम कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बाकी हमारे जो मुश्किलात जो है, हम उसको जब तक हम लद्दाख के मुतालबे पूरा नहीं होगा, तब तक हमने स्ट्रगल करते रहना है। तो अब मैं मैडम अभिनंदन डी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी हमारे जो लद्दाख के प्रेस मेंबर्स है उनसे आप मुखातिब हो जाए। जुले एंड नमस्कार सबको, सलाम। आज आम आदमी पार्टी लद्दाख के हर सिटीजन के साथ खड़ी है, क्योंकि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक
मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक मोदी जी बीजेपी ने एक आतंक मचा दिया है। वो आतंक है अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, प्राइस राइज का, और बहुत सारे कॉमन आदमी, आम आदमी के जो तकलीफें हैं उसका। और दूसरा कि अगर कोई भी हक की आवाज उठाता है तो वो कैसे क्रश करना है। लद्दाख जैसा पीसफुल जगह, यहां पर भी आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने लद्दाख को चीट किया है, धोखा दिया है। ये वो लद्दाख है जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस वॉर्स में भी दिया है, बल्कि बीजेपी को भी सपोर्ट किया, और उसके बावजूद एक पीपल ऑफ लद्दाख के साथ एक पूरा डिसेप्शन, एक ढोंग के साथ आज लद्दाख के लोगों के साथ बीजेपी ने जो धोखा दिया है, आम आदमी पार्टी दिल्ली, आम आदमी पार्टी नेशनल लीडरशिप, सब लोग आज अपना संदेश भेजे हैं आपके साथ सॉलिडारिटी के लिए। अभी हम सोनम वांगचू जी और वहाँ जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उन सभी से मिलकर आए हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ भी है। और आशा करते हैं कि जो चुनाव अभी आ रहा है उस चुनाव में लद्दाख के लोग पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हराएंगे, आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस के कांग्रेस कैंडिडेट के साथ खड़ी है। ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, ये टाइम है देश के लिए, लद्दाख के लिए, अपने गांव के लिए, अपने रीजन के लिए एक साथ खड़ा होने का। दूसरी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके बीजेपी ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है। वो मैसेज है धमकी का कि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम आपको खत्म कर देंगे। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि ये आम आदमी पार्टी जो है ये कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक पीपल्स मूवमेंट है, ये आम इंसानों की पार्टी है। और ये कितना भी कोशिश कर ले, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, ऐसे लीडर्स को कभी झुका नहीं सकते। हमारा नारा बहुत सिंपल है, हम जेल का जवाब वोट से देंगे। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति ही नहीं है कि जिन्हें आप कैद कर देंगे, ये एक सोच है। हम सब में वो इंस्पिरेशन जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि ऑर्डिनरी लोग, प्रोफेशनल लोग, स्टूडेंट्स, विमेन, यंग लोग जो है, जब हम सब मिल के कंट्री के बारे में सोचते हैं, वही आम आदमी पार्टी है, वही आम आदमी पार्टी का विजन है। हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपना सॉलिडारिटी और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, और आगे आने वाले इलेक्शन में हम सब मिल के ये फासिस्ट बीजेपी को डिफीट करें। और लद्दाख के जो 4 डिमांड्स हैं, 6 शेड्यूल का, जॉब कमीशन का, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का और फुल स्टेटहुड का, ये चारों लेजिटिमेट डिमांड्स जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। और जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, आम आदमी पार्टी का जो लद्दाख यूनिट है वो चैन से नहीं बैठेगा और लद्दाख के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के प्रोटेस्ट करते जाएंगे। थैंक यू। मैम, जिस तरह से आप अभी यहाँ अलायंस की बात करने आए हैं, सपोर्ट की बात करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस जो लद्दाख में है वो कम नजर आ रहा है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या करेंगे? जी, आम आदमी पार्टी लद्दाख 2019 में शुरू हुआ। हम एक छोटी पार्टी हैं, और मगर 10 साल में हमने एक नेशनल पार्टी का दर्जा पाया, 2 सरकार बनाई 2 स्टेट्स में, और अब धीरे धीरे और जगहों पे भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर लद्दाख यूनिट कि मुश्किलों के बाद भी, इतना छोटी टीम होने के बाद भी, वो जो टीम है वो स्ट्रांगली खड़ी हुई है। पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ दिस विजिट इज ऑल्सो कि हम कैसा एक्सपैंड करेंगे और आगे जाके किस तरह से पार्टी को आगे बड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारा जो लद्दाख का लीडरशिप है और दिल्ली का लीडरशिप है, उनके ऑलरेडी 1-2 मीटिंग्स हो चुके हैं, और थोड़ा जल्द आपको
ये इलेक्शन और पीपल्स मूवमेंट के बाद आपको जल्द ही हमारा कुछ कैंपेन्स शुरू होंगे, जिसमें से हम एक लार्ज स्केल पे एक आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने का एक इनविटेशन लद्दाख के लोगों को देंगे, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इसी तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग को करेंगे स्लोली एंड स्टेडिली। हमें पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आएगा। जी हाँ जी, मैं आपके ही यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो वहाँ बोधा बिहार में ब्रिज की उन्होंने एक बात कही, जो आम आदमी पार्टी जहाँ गवर्नमेंट है वो उस चीज को पूरा करेंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि काम शुरू हो चुका है, अगर शुरू हुआ है तो कितना आपने कर दिया है। ठीक है, तो लद्दाख के जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ कह सकते हैं कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है, वो आम आदमी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये जो लद्दाख का टीम है, उन्होंने इवन चीफ मिनिस्टर सर को ये बात सामने लाया, ये जो प्रॉब्लम है वहाँ, ये बात इतना पहुँच गया है कि ये फाइल में आ गया है और इसका पूरा तैयारी जो है, एक्चुअली तो वो पहले भी हो गया था, मटेरियल भी आ गया था, बट कोई फ्लडिंग की वजह से वो मटेरियल हट गया था, बट वो प्रोसेस अब दोबारा शुरू होगा आई थिंक आफ्टर द इलेक्शंस, जब अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो जो हमारा जिस असेंबली में वो हैं उनका जो MLA है, उन्होंने भी अश्योर किया है दैट डेफिनेटली विद इन दिस ईयर वी विल सी, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, वी आर नो दैट वहाँ कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, और विद इन दिस ईयर वी आर होपफुल कि काम शुरू और काफ़ी टूवर्ड्स कंप्लीशन भी जाएगा। उसके अलावा भी एक और प्रपोजल है PWD का वहाँ पे कि फुट ओवर ब्रिज की जगह अगर हम सबवे बनाते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें जो है वो PWD कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, एंड इलेक्शन के बाद होपफुली हम एक इनॉग्यूरेशन करेंगे जिसमें काम का शुरुआत करेंगे, जिसमें डेफिनेटली लद्दाख की टीम आपको इन्फॉर्म करती है। लद्दाख की जो चार मुख्य डिमांड है आपके सम्मेलन में होगा जी, उसको लेके खासकर 6th Schedule और स्टेट रूल को लेके आम आदमी का क्या स्टेट? हम बिल्कुल इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं, द फैक्ट दैट 97% पॉपुलेशन लद्दाख का ट्राइबल है, और तो भी इतना डिफिकल्ट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से ये नेगोशिएट करना, ये काफ़ी शर्मिंदा होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेशली क्योंकि उन्होंने लिखित में अपना मैनिफेस्टो में इसी बात पे मैंडेट लद्दाख के लोगों को लिया था। दूसरा यह है कि थोड़ा ये एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि न सिर्फ लद्दाख एक लार्जली ट्राइबल एरिया है बट इकोलॉजिकली रिच और सेंसिटिव एरिया भी है, तो ये जो कॉरपोरेट के साथ नेक्सस चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी की वजह से अगर हम देखें तो आज हास्तियों में जो ट्रेजिडीज हो रही हैं, जो मणिपुर में फायर्स हुए, जो जोशीमठ उत्तराखंड में जो पूरा टनल कोलैप्स हुआ, ये सारा जो है ये इकोलॉजिकल नेग्लिजेंस का वो है, तो यही आपके डिसीजन आप खुद ना ले पाए, और यहाँ पे वो गवर्नर बिठा के सिर्फ आपके माइनिंग का जगह खोल दें, आपके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के लिए नहीं हुआ, तो हम फुल स्टेटहुड का बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है और लद्दाख के लोगों को पूरा हक है अपने जमीन और अपनी आइडेंटिटी को बचाने का। तो मैम, जिस तरह से जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये थोड़ा हट के है क्वेश्चन, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सरकार है, रिसेंटली लद्दाख स्कॉट के कुछ जवानों को वहां पे थोड़ा हाथापाई हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुआ था, उस पे क्या कुछ कार्रवाई किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे आप कुछ कहेंगे? मैं अवेयर नहीं हूँ इस इंसिडेंट के, लेकिन ये डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल है, और क्योंकि मैं एग्जैक्ट डिटेल्स अवेयर नहीं हूँ तो शायद ठीक नहीं रहेगा मुझे इस बारे में बोलना। जैसे आपने कहा अभी मीटिंग्स चल रहे हैं, जिस तरह से ज्वाइनिंग कराएंगे, पर लोगों का ये भी मानना है इलेक्शन के टाइम में आप एक्टिवेट हो जाता है, बाकी जो आम दिन है उस पे कहीं ना कहीं आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखा रहा। हाल ही में आपके 3 ही मेंबर ने यहाँ से एग्जिट किया है जो BJP को ज्वाइन किया है, तो अगर इस तरह चलता रहेगा तो आपको नहीं लगता कि लद्दाख में आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कमजोर होता जाएगा?
मैं उसमें ऐसा है, लाइक अभी इलेक्शन के दौरान जो है वो तो चलते रहता है, इसमें कोई बात नहीं, हर एक पार्टी से निकलता है, इधर जाता है उधर जाता है। बाकी जो हमारे यहाँ से जो कुछ ज्वाइन करके हमारे यहाँ से निकल के गए होंगे तो जाता है, कुछ हमारे यहाँ पर भी जो बीजेपी से निकल के आए हैं, बाकी से आए हैं, तो जो एक खासकर जो मैं आपको एक बताता हूँ, एक हमारा इफ्तिकार है जो एक जो अभी हमारे से निकल गया, वो आप लोगों ने देखा कभी हमारे पास था, वो पिछले 3-4 साल से 2020 के साथ हमसे डिसोसिएट है। वो तो एक ड्रामा है उन्होंने रचा दिया कि वो ज्वाइन किया हमसे, ये हो गया, हमने यहाँ कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितना हमने ये किया, वो उसने आप वो आप लोगों ने उसको हमारे साथ देखा कभी? वो हमारा सेक्रेटरी था यहाँ पार्टी का पहले 1900, उसके बाद 20 से उनका जो है हमारे साथ जो है कुछ उसका ठीक नहीं था, तो हमने उसको डिसोसिएट किया, तो उसको तो हम मानते नहीं। बाकी जो है कोई आता जाता है तो चलते रहता है। आज के दिन में खासकर अभी आपने देखा कितने मिनिस्टर जो है बीजेपी से निकल के किसी अकाली दल में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई आम आदमी पार्टी में जाता है, हमारे से भी निकल के जाते हैं, सबसे निकल के आना जाना, ये तो आजकल तो ट्रैफिक चला हुआ है, तो इसमें कोई ये बात नहीं है। बाकी इफ्तिकार का आपको मैं बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, वो पिछले 3-4 से वो साइलेंट है, डिसोसिएट है, तो हम तो उसको हमारे पार्टी का एक मेंबर समझते ही नहीं है। तो आप ये पर आपका आपकी जो आपका सवाल का एक ये भी है कि यस, ये हमारे लिए एक डेफिनेटली एक चैलेंज है कि कैसे हम और लोगों को जोड़े और कैसे हम अपने लोगों को रिटेन करेंगे, और इस बात को हम सीरियसली भी लेते हैं, और उसका एक सबूत है कि जो आम आदमी पार्टी है, कोई ज़्यादा खास प्रेजेंस, कोई पावर ना होने के बावजूद भी आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो सॉलिड एस पिलर है। तो आई थिंक कि अब ये अपने जैसे ही और अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, वी विल और जो है हमारा लद्दाख का जो है आज के दिन में पूरा लद्दाख जो है 4 डिमांड के साथ है। हमारा जो है एज ए पार्टी जो है, चाहे हम छोटे ही पार्टी होगा, हमारा मुद्दा बहुत अच्छा है। हम क्योंकि लद्दाख के जो हमारे चाहे हमारे इस जो है जितना भी हमारे प्रोटेक्शन की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, हमने शुरू से कहा था, शुरू में हमने कहा था कि ये जो हमारा जो स्पंग है जो आपका सोलर एनर्जी के लिए अदानी को दिया था, तो ये चीज़ें हम जो लोगों का जो है लद्दाख के रिलेटिव जो है लोगों के रिलेटिव जो हम इशू रेस करते रहते हैं, तो अभी उम्मीद करते हैं हम आने वाले दिन में हम पार्टी को अच्छी तरह से और ऑर्गेनाइज करेंगे, बेटर ये करेंगे, तो शायद हम पार्टी वाइज भी ग्रो हो जाएंगे, ज़्यादा ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उम्मीद करते हैं हम ये।